बिग बॉस से अपनी शोहरत वापस पाने वाली शिल्पा शिंदे एक बार फिर से अपने आइटम सॉन्ग मारो लाइन को लेकर सुर्खियों में है। जी हाँ, एक बार फिर से शिल्पा के इस आइटम नंबर पर फैंस ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल सूत्रों की माने तो हाल ही में शिल्पा का ये आइटम सॉन्ग एक बार फिर से वायरल हुआ था, जिसे फैंस के रिएक्शन कुछ ठीक नहीं मिले और तो और फैंस शिल्पा से नाराज भी दिख रहे हैं। दरअसल फैंस का मानना है कि जिस हिसाब से बिग बॉस में उन्होंने शिल्पा को देखा था, उसके मुताबिक इस सॉन्ग में शिल्पा का अवतार उनकी पर्सनालिटी को बिल्कुल सूट नहीं करता और उन्हें ये आइटम नंबर नहीं करना चाहिए था। तो क्या आप शिल्पा को भी अपने इस आइटम सॉन्ग करने पर पछतावा हो सकता है? क्या ये सॉन्ग शिल्पा की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी? पर अगर आपको याद हो तो बिग बॉस के घर में जाने से ठीक पहले शिल्पा अपने इसी आइटम सॉन्ग की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई थी। बता दें कि इस गाने में शिल्पा ने काफी हॉट अंदाज में डांस किया था और उनके साथ एक्टर ऋषि कपूर ने भी ठुमके लगाए। लेकिन जैसे ही ये सॉन्ग रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पर शिल्पा ट्रोल होने लगी। किसी ने उनकी ड्रेस पर कमेंट किया तो किसी ने उनके डांस मूव्स पर सवाल उठा दिए और तो और किसी ने तो उन्हें मोटी तक कह डाला। बता दें कि उस वक्त तो शिल्पा ने अपने ट्रोलर्स को काफी करारा जवाब दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से शिल्पा के इसी सॉन्ग पर फैंस अपनी नाराजगी जता रहे हैं। तो क्या आप अपने फैंस के लिए इस तरह के आइटम सॉन्ग से किनारा कर लेंगे शिल्पा शिंदे? वाले तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब देखते हैं कि इस पर शिल्पा का क्या रिएक्शन सामने आता है।